अच्छा, तो दोस्तों मेरे फ्रेंड सर्कल में हम लोग बात कर रहे थे कि यार कुछ उसमें से हैं जो पोर्चुगल मूव होना चाह रहे थे, उनको कहीं ऑफर्स आ रहे थे वहाँ से, किस 350 यूरोज़ में आपका हम सेफ लॉक कर देंगे और बहुत सारी चीज़ें। तो क्यों पोर्चुगल इतना हाइप में रहता है हमेशा, और ऐसा क्या है दोस्तों वहाँ पर जो सभी वहाँ पर जाना चाहते हैं? तो दोस्तों पोर्चुगल की शुरुआत 2018 से हुई थी, जब ज़्यादा ये हाइप में आया था। और उसी टाइम से हुआ क्या था, यहाँ का इमिग्रेशन ओपन होते और इमिग्रेशन जब ओपन होते तो उस टाइम पर काफ़ी जो है नॉन यूरोपियंस स्पेशली वहाँ पर आते हैं और सेटल हो जाते इजीली। सबसे पहले जानते हैं कि क्यों आते हैं ये लोग। पहला रीज़न तो दोस्तों वहाँ आने का ये है कि वहाँ पर कोई भी लीगल हो सकता है। जैसे कि आप किसी भी कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा लेके वहाँ पर पहुँच जाइए, या आप कहीं से भी कैसे भी चले जाइए, स्टडी वर्क टूरिस्ट कैसे भी चले जा सकते हैं, वहाँ पर जाके आप लीगल हो जाएंगे। तो दोस्तों यही बात है कि टूरिस्ट वीज़ा पर आने के बाद हमें वर्क परमिट में फंसना नहीं पड़ेगा। तो कितना आसान है कि आप डायरेक्टली आकर किसी भी कंट्री में टूरिस्ट वीज़ा पर लीगली हो जाए, तो ये पॉसिबल है और इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। नाउ दूसरा रीज़न ये मुझे लगता है दोस्तों, यूरोप में यार देखो मैं बहुत सारी कंट्रीज़ का एक्सप्लोर किया हुआ है, और सबसे बेस्ट अगर मुझसे पूछते हो कि यार मुझे सेटल होना है तो सेटलमेंट के लिए एक ही कंट्री मैं कहता हूँ हमेशा यूरोप में, वो है पोर्चुगल। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पर दोस्तों पहले तो आपको वहाँ पर 2 ईयर्स का जो है कार्ड मिलता है, मतलब आप वहाँ पर 2 ईयर्स का डायरेक्ट कार्ड मिलता है, और मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज़ में आपको 1 साल का मिलता है सबसे पहला बेनिफिट। 2 ईयर्स के बाद डायरेक्ट आपको 3 ईयर्स का मिलता है, तो 2 और 3 करके 5 ईयर हो गया, और 5 to 6 ईयर के बाद डायरेक्ट सिटीजनशिप आपको मिल जाती है। मतलब अगर आप इटली की बात करें तो वहाँ पर आपको जो है सिटीजनशिप 10 साल के बाद मिलती है, पहले 5 साल के बाद PR मिलता है, लेकिन पोर्चुगल में 6 साल के बाद आपको जो है सिटीजनशिप मिल जाती है, पासपोर्ट मिल जाता है उस कंट्री का, जो कि बहुत पावरफुल है। तो ये एक बेनिफिट है कि यार सेटलमेंट बहुत ईजी है वहाँ पर, और आप अपने स्पाउस को भी ले जा सकते हो, और अगर आपके बच्चे जो है 18 ईयर से कम है उनको भी ले जा सकते हो साथ में, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको। नाउ नेक्स्ट इज़ कि वहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग दोस्तों, अगर पोर्चुगल की हम रेंट की भी बात करें तो 100 यूरो, 150 यूरो, 200 यूरो, 200 तो बहुत ज़्यादा, मतलब 200 यूरो तो बहुत ज़्यादा, आपको अच्छा रूम मिल जाएगा, ये शेयरिंग का बता रहा। तो 150 यूरोज़ में आप आराम से रह सकते हो पोर्चुगल में पर मंथ, और साथ ही में फूड एक्सपेंसेस की बात करें तो 70 to 80 यूरोज़, मतलब आप अगर ओवरऑल मुझसे पूछे तो 250 यूरोज़ पर मंथ आपका एक्सपेंसेस आने वाला है अगर आप पोर्चुगल में रहते हो। तो ये कुछ बेनिफिट्स है दोस्तों, अगर हम किसी भी कंट्री में जाने का सोचते तो क्या चाहिए हमें, लिविंग एक्सपेंसेस कम, कंट्री बहुत अच्छी, और पोर्चुगल वाकई बहुत अच्छी कंट्री है, पोर्चुगीज पीपल आर रियली नाइस टू फॉरेनर्स एज वेल, और बहुत सारा टूरिस्ट अट्रैक्शन है पोर्चुगल में, तो वो चाहिए। और क्या चाहिए, सेटलमेंट हो सकते हो, आप अपने वाइफ को अपने किड्स को बुला सकते हो, साथ ही साथ एक अच्छा पे मिले, राइट? तो वो सभी चीज़ों के लिए ये जाना जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आप कैसे जाकर इजीली सेटल हो सकते हो वहाँ पर, क्योंकि हर कहीं कंट्री में आप इजीली जाकर सेटल नहीं हो सकते। आप इंडिया से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी आप दुबई से देख रहे हो, तो क्या आप डायरेक्ट आकर किसी भी कंट्री में सेटल हो सकते हैं? नहीं, लेकिन पोर्चुगल में हो सकते हो, आप आओ टूरिस्ट वीजा पर सेटल हो सकते हो। तो ये बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट तो उसका यही है। चलो अब पॉजिटिव्स की बात करिए तो इसके कुछ नेगेटिव्स भी है दोस्तों, नेगेटिव्स जानना बहुत ज़रूरी है हर कंट्री के, किसी के पॉजिटिव्स है तो किसी के नेगेटिव्स है, राइट? जैसे कि अगर माल्टा का देखें तो यहाँ पर पे बहुत अच्छा आपको मिल जाएगा, लेकिन सेटल नहीं हो पाओगे, हर साल आपको कार्ड रिन्यू करते रहना रहेगा। तो हर कंट्री के अपने अपने बेनिफिट्स और अपने अपने डिसएडवांटेज है। अगर हम पोर्चुगल के डिसएडवांटेजेस की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहला डिसएडवांटेज मुझे लगता है वहाँ का वो है कि यार यहाँ पर जो है ना, आप जैसे ही आते हैं आप क्या करते हैं, सेफ लॉक करते हैं, आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, और वो अपॉइंटमेंट जो आपको मिल रही है पहले 6 महीने की मिलती थी, अब 1.5 साल 2 साल बाद की मिल रही है। अब मुझे जो मेरे फ्रेंड को कॉल आया था कि यार एक बांग्लादेशी पर्सन है वो जो है आपका सेफ लॉक कर देगा, जैसे इटली में नूला उस्ता लेना पड़ता है और माल्टा में आइडेंटिटी माल्टा से अप्रूवल लेटर लेना पड़ता है, वहाँ पर भी सेफ जो है उनकी इमिग्रेशन अथॉरिटी है, वहाँ से हमें अपॉइंटमेंट बुक करके डॉक्यूमेंट सबमिट करके कार्ड लेना रहता है, काम करना रहता है। सब उसके लिए दोस्तों हमें 1.5 साल 2 साल तक अब तो 2 साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा, तो इतना समय इंतज़ार करना पड़ता है, इतनी लंबी डेट से इतने लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं, तो आप खुद ही समझ सकते हैं इसमें कितना टाइम लगेगा। लेकिन ये अच्छा है कि यार टूरिस्ट वीज़ा पर आके आप वो 1.5 साल भले ही वेट करना पड़ रहा है, लेकिन काम कर सकते हो आप, ये एक अच्छा एडवांटेज रहता है। तो वो अपना अपना क्राइटेरिया, अगर आप वेट कर सकते हो और कर सकते हो तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है पुर्तगाल बोलते वैसे तो उसको। और सेकेंड दोस्तों मुझे एक ड्रॉबैक ये लगता है कि यार सैलरीज जो है, यार कोई भी बंदा अगर विदेश आ रहा है तो विदेश आने के बाद वो तो एक्सपेक्ट करेगा कि यार 1000 यूरो से ज़्यादा सैलरी हो, 1200-1300 यूरो हो, लेकिन अगर मैं आफ्टर टैक्स सैलरी की बात करूँ पोर्चुगल में तो आपको अराउंड 700 यूरो 800 यूरो की सैलरी मिलेगी वहाँ पर। मेरा ऐसा मानना है, ड्रॉबैक इसलिए मैं इसको मान रहा हूँ क्योंकि
पहली बात तो अगर 800 यूरो कमा रहे हो, 250-300 यूरो चले जा रहे हो, 500 यूरोस बच रहे हैं, 500 यूरोस भी अब अगर हम कहें तो वो अराउंड 40,000 रुपीज़ के आसपास होंगे। तो अगर आप 40,000 रुपीज़ सेव करना चाहते हो तो डेफिनेटली यू आर यू कैन कम टू पोर्चुगल। बट और भी बेनिफिट्स हैं, अब और बेनिफिट्स, एक और बेनिफिट जो मैं बताना भूल गया था वो है कि ये शेंगन कंट्री है दोस्तों। देर आर 26 शेंगन कंट्री इन यूरोप जहाँ पर आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव हो सकते हो इजीली। तो वैसे ही आप अगर पोर्चुगल का रेसिडेंस परमिट लेगे तो आप इजीली दूसरी कंट्रीज में ट्रैवल कर सकते हो। अगर वहाँ का पासपोर्ट मिल गया तो उसके बाद तो आप कहीं पर भी वर्क कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। और पोर्चुगल में दोस्तों बिजनेस करने पर भी काफ़ी टैक्स में जो है रिबेट्स मिलती है। तो ऐसे बेनिफिट्स भी है और इसके ड्रॉबैक्स भी है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप क्या करना चाहोगे। काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि वो शेंगन एरियाज में रहकर टैक्स पे करते रहते हैं और वहाँ पर जैसे अपॉइंटमेंट आएगी वो जाकर जो है बायोमेट्रिक कर लेंगे। तो कॉल टोटली आपका है, आप कैसे आना चाहते हो। बट ये है कि हाँ, एक कंट्री ऐसी आपको यूरोप में मिल गई है, शेंगेन जोन में ऐसी मिल गई जो आपको कहीं से भी आप आ रहे हो आपको लीगल बना देगी और आपको जो है सेटल कर देगी एनी हाउ। सो यही था आज का वीडियो। तो मुझे बताइएगा कि अगर आप जो है पोर्चुगल वर्क परमिट पर और वीडियोस चाहते हैं डिटेल में कि क्या सिनेरियो चल रहा है, क्या अपडेट्स हैं इमिग्रेशन की, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये सिर्फ एक मेरी दिल की बात थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते थे कि पोर्चुगल पर आप वीडियो नहीं बनाते हो, तो ये रीज़न था दोस्तों। बाकी बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।